गुड मॉर्निंग एवरी वन. इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर इन हिस्ट्री, चैप्टर 4, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनलिज्म. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनलिज्म. फॉरेस्ट सोसाइटी रेफर्स टू दैट सोसाइटी दैट ड्वेलर्स दैट लिव इन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट सोसाइटी का मतलब है वो ड्वेलर्स, यानी कि वो लोग, वो सोसाइटीज जो कहाँ रहती है, फॉरेस्ट में रहती है, उनको हम क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट सोसाइटी बोलेंगे. एंड द वर्ड कॉलोनलिज्म मीन्स एस्टैब्लिशिंग अ पावर ओवर अ कंट्री. और कॉलोनलिज्म का मतलब है कि अपनी पावर को सेटअप करना और दूसरे को उस पावर के बेस पे डोमिनेट करना, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलोनलिज्म बोलेंगे. और जिसकी वजह से क्या होता है, फिर चेंजेस आते हैं लोगों के लाइफस्टाइल में, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉलोनलिज्म बोलेंगे. ओके, आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कॉलोनलिज्म का है वो किसका है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और उन्होंने क्या करा, अपना रूल सेटअप करने की कोशिश की. तो इस चैप्टर में हम वही सब चीज़ें पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने फॉरेस्ट और फॉरेस्ट की सोसाइटीज़ में क्या क्या चेंजेस किए. Take a quick look around your school and home and identify all the things that come from forest. The paper in the book you are reading, desk and tables, door and windows, the dyes that color your clothes, spices in your food, the cellophane wrapper of your toffee, tendu, leaf in beedies, gum, honey, coffee, tea and rubber. Do you miss out the oils in chocolates? Which comes from salt seeds, the tannin used to convert skins and hides into leather, or the herbs and roots used for medicinal purpose. Forests also provide bamboo wood for fuel, grass, charcoal, packaging fruits, flowers, animals, birds, and many other things. यहाँ पे आपको बताया गया है कि अपने आसपास का वातावरण देखो और ये identify करो कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे टेबल्स है, डोर्स है, विंडोज़ है, क्लोथ्स है, स्पाइसेस हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं. एंड योर आंसर विल बी फॉरेस्ट. आप सभी को पता है कि हमें ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती हैं. अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन इज फास्ट डिसअपीयरिंग बिटवीन 1700 एंड 1995 इन द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब आपको पता है कि हमारी जो इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है प्लांट्स की और एनिमल्स की, लेकिन अगर हम 1700 से लेकर 1995 की बात करें तो वो जो पीरियड था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड था, यानी कि वो पीरियड जब क्या हुई, इंडस्ट्रीज़ सेटअप हुई. लेकिन इंडस्ट्रीज़ के सेटअप होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आई कि जो डाइवर्सिटी थी हमारी इंडिया की वो क्या हुई, डिसअपियर होने क्या हो गई बेटा, शुरू हो गई. 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट और 9.3% ऑफ वर्ल्ड टोटल एरिया वॉज क्लियर फॉर इंडस्ट्रियल यूजेज, कल्टिवेशन, पास्चर्स एंड फ्यूल वुड. 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो था हमारे इंडिया के फॉरेस्ट का, वो क्या हुआ बेटा, उसको क्लियर किया गया किस चीज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, कल्टिवेशन को करने के लिए, और साथ ही साथ पास्चर्स बनाने के लिए और फ्यूल वुड के लिए, वुड को इकट्ठा करने के लिए. ये जो हमारा एरिया था 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसको क्या किया गया, क्लियर किया गया, यानी कि इसे काटा गया, यानी कि डिफॉरेस्टेशन किया गया. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डिफॉरेस्टेशन. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच वी कट a large number of trees on large scale for industrial purpose. Deforestation का मतलब है कि एक लार्ज स्केल में पेड़ों को काटना, ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. द डिसअपेरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू एज डिफॉरेस्टेशन. जो फॉरेस्ट का जो डिसअपेरेंस है, यानी कि फॉरेस्ट जो ख़त्म होते जा रहे हैं, उसको भी हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोल सकते हैं. डिफॉरेस्टेशन नॉट अ रिसेंट प्रॉब्लम. डिफॉरेस्टेशन जो है वो कोई रिसेंट प्रॉब्लम नहीं है. द प्रोसेस बिगैन मैनी सेंचुरीज अगो बट अंडर कॉलोनियल कंट्रोल इट बिकेम मोर सिस्टमैटिक एंड एक्सटेंसिव. डिफॉरेस्टेशन का जो प्रोसेस है
वो अभी से ही नहीं, वो बहुत मतलब सेंचुरीज अगो से चलता रहा है। लेकिन अगर हम कॉलोनियल रूल की बात करें, कॉलोनियल टाइम की बात करें, तो उस टाइम पे ये जो डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस हुआ, ये काफ़ी मतलब सिस्टमेटिक तरीके से हुआ और काफ़ी ज़्यादा लंबे स्केल पे हुआ। ओके, लेट अस लुक एट सम ऑफ द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। अब हम देखते हैं कि वो क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से इंडिया में क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ। तो फर्स्ट कॉज है लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, कि लैंड को हमें करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। इन 1600 अप्रॉक्सीमेटली 1/6 ऑफ इंडियाज लैंड मास वॉज अंडर कल्टिवेशन। अगर हम 1600 की बात करें तो इंडिया का जो 1/6 लैंड मास था वो क्या था, कल्टिवेशन के अंडर था। नाउ दैट फिगर हैज़ गॉन अप टू अबाउट हाफ। लेकिन अगर हम आज के टाइम पे वो फिगर देखें, वो उससे क्या हो गया बेटा, बिल्कुल हाफ हो गया। एज पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर सेंचुरीज एंड द डिमांड फॉर फूड वेंट अप, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो जो फूड की डिमांड थी वो भी क्या होती गई बेटा, बढ़ती गई। पीजेंट एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ कल्टिवेशन, क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड ब्रेकिंग न्यू लैंड। और अब क्या हुआ, पीजेंट ने भी अगर बाउंड्रीज तोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, कल्टिवेशन की, और फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर दिया। इन द कॉलोनियल पीरियड कल्टिवेशन एक्सपेंडेड रैपिडली फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स। और अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो उस टाइम पे जो कल्टिवेशन था वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा होने लगा। फर्स्ट द ब्रिटिश डायरेक्टली एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, शुगर, वीट एंड कॉटन, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का मेन फोकस क्या था कि यहाँ के जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वो किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें, जिसमें जूट आता है, शुगर आता है, वीट आता है और कॉटन आता है। क्योंकि ये जो क्रॉप्स थी, इनकी जो डिमांड थी 19th century में यूरोप में, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। वेयर फूड ग्रेन्स वर नीडेड टू फीड ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन एंड रॉ मटेरियल्स वर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे लोगों को मतलब जो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी यूरोप की, उनको ये फूड ग्रेन लार्ज अमाउंट में चाहिए होते थे। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी थी, रॉ मटेरियल, जिनका यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता था, इंडस्ट्रीज में किया जाता था, एक फाइन प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सेकेंड, इन द अर्ली 19th century द कॉलोनियल स्टेट थॉट दैट फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव। और अगर हम 19th century की बात करें तो जो कॉलोनियल के जो कॉलोनियल लीडर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि जो फॉरेस्ट है वो क्या है, अनप्रोडक्टिव है। यानी अगर हम फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट क्या है, उनसे हमें कोई भी कुछ भी मतलब प्रोड्यूस भी अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती है। दी वर कंसिडर टू बी वाइल्डनेस दैट हैड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन सो दैट लैंड कुड यील्ड गुड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो फॉरेस्ट है वो क्या है, अनप्रोडक्टिव, फॉरेस्ट हमें कुछ नहीं देते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो लैंड है फॉरेस्ट की, इसको क्या करना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए, किस चीज़ के लिए, कल्टिवेशन के लिए, ताकि हम क्या कर सकें, एक अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या कर सकें, उगा सकें, एंड और उसके साथ साथ रिवेन्यू भी, एंड एनहेंस द इनकम ऑफ द स्टेट। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर वो कल्टिवेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होने से क्या होगा, रिवेन्यू अच्छा आएगा, और जिसकी वजह से जो इनकम है उनकी स्टेट की, वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। सो बिटवीन 1880 एंड 1920 कल्टिवेटेड एरिया रोज बाय 6.7 मिलियन हेक्टर्स। और उसके अगर हम 1880 से लेके 1920 के बीच की बात करें तो जो कल्टिवेटेड एरिया था वो हुआ 6.7 मिलियन हेक्टर्स, क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, रोज हुआ, बढ़ा। वी ऑलवेज सी द एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन इन द साइन ऑफ प्रोग्रेस, सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट फॉर लैंड टू बी ब्रॉट अंडर प्लो फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर, ठीक है। और अगर हम जैसे जैसे देखते हैं कि जो कल्टिवेशन का जो एक्सपेंशन हुआ, एक साइन था प्रोग्रेस का, ठीक है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो मतलब जो कल्टिवेशन हुआ है किसकी वजह से हुआ है, जब फॉरेस्ट क्या हुए हैं, क्लियर हुए हैं। बाय द अर्ली 19th century ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपीयरिंग। अगर हम अर्ली 19th century की बात करें तो जो ओक फॉरेस्ट है इंग्लैंड के, वो क्या होने लगे, डिसअपेयर होने शुरू हो गए, यानी ख़त्म होने शुरू हो गए। दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी। और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो रॉयल नेवी थी, ठीक है, उसके लिए जो टिम्बर की सप्लाई थी, उसमें क्या आने लगी, प्रॉब्लम्स आने लगी। ओके, हाउ कुड इंग्लिश शिप्स टू बी बिल्ट विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर।
How could imperial power be protected and maintained without ships? But by the 1820s, search parties were sent to explore the forest resources in India. With a decade, trees were being felled on a massive scale, and vast quantities of timber were being exported from India. अगर हम ये अर्ली 19th century की बात करें तो जो ओक ट्रीज थे इंग्लैंड के वो कहने लगे ख़त्म होने लगे, जिसकी वजह से जो रॉयल नेवी थी, ठीक है, उनकी टिम्बर सप्लाई में क्या होने लगी, कमी आने लगी, एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी. तो अब जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया इंग्लिश जो थे वो चाहते थे कि हमें कोई ऐसी रेगुलर सप्लाई मिल जाए टिम्बर की, जिससे हम क्या कर सकें, अपना जो काम है उसको मेंटेन करके रख सकें, वो सही से मैनेज हो जाए. तो उन्होंने मतलब सर्च करना शुरू कर दिया, एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया. तो उन्होंने इंडिया को जब एक्सप्लोर करा तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा टिम्बर है. तो उन्होंने क्या करा, जितने भी ट्रीज जो थे टिम्बर के उनको क्या कर दिया, उनको काटना शुरू कर दिया. इनके एक मैसिव स्केल पर काटा, बहुत लंबे स्केल पर काटा, जिसकी वजह से क्या हो, जो वास्ट क्वान्टिटीज थी टिम्बर की वो क्या होने लगी, मतलब काटा गया. और फिर क्या थी, जो क्वान्टिटी थी उसको क्या किया, एक्सपोर्ट किया गया इंडिया से. द स्प्रेड ऑफ रेलवेज फ्रॉम 1850 क्रिएटेड अ न्यू डिमांड ऑफ रेलवेज वो एसेंशियल फॉर द कोलोनियल ट्रेड एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इंपीरियल ट्रूप्स टू रन लोकोमोटिव वुड आर नीडेड एज फ्यूल एज टू रेलवे लाइन स्लीपर्स वो एसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक्स टूगेदर ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर 1760 एंड 2000 स्लीपर्स. उसके बाद कोलोनियल गवर्नमेंट को जो नया काम मिला वो क्या मिला, रेलवेज़ का. उन्होंने अपना दिमाग लगाया और रेलवे के लिए जो स्लीपर्स थे उन्हें वुड के थ्रू बनाना शुरू करा. अगर हम बात करें रेल की, तो रेल जो चलती थी वो किससे चलती थी, लोकोमोटिव से चलती थी. और लोकोमोटिव में क्या चाहिए होता था, फ्यूल चाहिए होता था जिसमें वुड का यूज़ किया जाता था. ओके, फ्रॉम द 1860s द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली. By 1890, about 25,500 kilometer of track has been laid. In 1946, the length has increased to 765,000 kilometer. As the railway tracks spread through India, a larger and larger number of trees were felled. As early 1850s, in Madras Presidency alone, 35,000 trees are being cut annually for sleepers. The government gave out contract to individuals to supply the required quantities. These contractors began cutting trees indiscriminately. Forests around the railway tracks fast started disappearing. और उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे मतलब ये रेलवे सेटअप होने लगे तो जो रेलवे की जो नेटवर्क था ये ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेंड होने लगा. तो अब जो रेलवे जो मतलब 1890 में अगर हम देखें तो 25,000 किलोमीटर जो था ट्रैक वो लेट किया गया, और 35,000 जो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो पेड़ थे उनको काटा गया स्लीपर्स बनाने के लिए. तो बेटा ये वो कॉजेस थे जिनकी वजह से क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ है. सबसे पहले हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, कल्टीवेशन, ठीक है, एंड रेलवे, एंड नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ऑफ ओक. ये चार ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा डिफॉरेस्टेशन था वो प्रोसेस हुआ. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.